हेलो फ्रेंड, आज हम इस एपिसोड में एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने वाले हैं। आज यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। वीडियो समझ में आया और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करना है। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास राउंडर, इसे कंपास भी बोलते हैं, स्केल और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। आज हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन, सेक्शन 3, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वेयर्स। एग्जाम्पल नंबर 13, टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वेयर विद द हेल्प ऑफ इट्स डायगनल बीइंग गिवन। क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वेयर विथ इट्स डायगनल मेजरिंग 9 सेंटीमीटर इन लेंथ। हिंदी प्रश्न विभाग तीसरा, चतुर्भुज रचना, उदाहरण 13, विकर्ण दिया है उससे चतुर्भुज बनाना। प्रश्न, 9 सेंटीमीटर विकर्ण वाला चतुर्भुज बनाइए। मराठी प्रश्न, 9 सेंटीमीटर कर्ण असणारा चौरस काढा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 को हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में पढ़ा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन में विकर्ण दिया है, मराठी में उसे कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में उसे डायगनल बोलते हैं। वो 9 सेंटीमीटर दिया है, उसे लेकर हमें एक चौरस या चतुर्भुज बनाना है। तो पहले हमें एक लाइन लेना है, उसकी लेंथ लेना है 9 सेंटीमीटर लंबी वाली हमने यहाँ पर लाइन लिया है, उसको नाम देना है ए सी। बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में इस डायग्राम को कोई भी नाम नहीं दिया गया है, तो ऐसे समय आपको अपने मन से यहाँ पर नाम देना है। जब क्वेश्चन में नाम दिया जाता है, नाम इंक्लूड होके आता है, तब आपको उसी नाम को यहाँ पर देना है। इसी लाइन का डिस्टेंस हमें लेना है 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हमें एसी लाइन के दो इक्वल पार्ट बनाने हैं, दो समान हिस्से बनाने हैं। इसी लाइन पर हमें परपेंडिकुलर बनाना है, उसे परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जाम का ज्योमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन, वहां पर हमने लाइन के दो इक्वल पार्ट बनाए हैं, उसी तरह यहां पर इक्वल पार्ट बनाने हैं। उसके लिए आपके पास राउंडर कंपास चाहिए, कंपास का स्टील वाला पॉइंट ये पॉइंट पर रखना है और कंपास में राउंडर में जो डिस्टेंस लेना है वो एसी लाइन के हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेना है, यह डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली लेना है। तो एसी लाइन के ऊपर वाले हिस्से पर हमें एक आर्क बनाना है इस प्रकार से, और नीचे वाले हिस्से पर एक आर्क बनाना है इस प्रकार से। कंपास में डिस्टेंस वही रखकर इन दोनों आर्क पर सी पॉइंट से और दो आर्क बनाने हैं। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर गए, वहाँ पर पॉइंट फिक्स करना है, पॉइंट को डार्क करना है, सामने वाले दोनों पॉइंट को जोड़ इस प्रकार से। इस लाइन को नाम देना है एक्स वाई। एक्स वाई लाइन ने इसी लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है, वहाँ पॉइंट मिला है, उसे नाम देना है ओ। एसी लाइन का ओ पॉइंट ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब हमें कंपास लेना है, राउंडर लेना है, ओ पॉइंट पर कंपास राउंडर का स्टील वाला पॉइंट रखकर कंपास में राउंडर में डिस्टेंस लेना है ए इतना। कितना डिस्टेंस लेना है? ए इतना। और एक्स वाई लाइन के ऊपर आर्क बनाना है इस प्रकार से। दोनों आर्क एक्स वाई लाइन को यहाँ पर क्रॉस कर गए, वहाँ पॉइंट फिक्स करना है, पॉइंट को डार्क करना है, ऊपर वाले पॉइंट को नाम देना है डी, नीचे वाले पॉइंट को नाम देना है बी। अब हमें ए डी इस लाइन को ड्रॉ करना है, उसके लिए ए और डी पॉइंट को लाइन से जोड़ना है इस प्रकार से। अब ए बी पॉइंट को जोड़ना है, अब बी सी पॉइंट को जोड़ना है, और अब सी डी पॉइंट को जोड़ना है। इस प्रकार से हमारा ए बी सी डी ये चतुर्भुज स्क्वायर बन गया है। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ए सी कर्ण दिया था, विकर्ण दिया था, उसको लेकर उसकी सहायता से, मदद से हमने
ए बी सी डी इस स्क्वायर को बनाया है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये जो लेंथ है वो आपको उसमें चेंज करना है, कम ज़्यादा करना है, इसके जो नेम मैंने दिए हैं उसे भी चेंज करना है, और इसका बार बार बनाने का निकालने का प्रैक्टिस करना है, बार बार इसे सॉल्व करना है। बच्चों आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे आपका प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, उस पर मैं ज़रूर कमेंट दूंगा। बच्चों आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।